हमने आपको तकलीफ यहाँ दी है, बुलाया है, इट्स विद ग्रेट प्लेजर, बहुत बहुत खुशी से कि हमारे जम्मू कश्मीर के बहुत ही तीन सीनियर लीडर्स, बशारत साहब हैं, खुर्शीद साहब हैं, मंसूर साहब हैं, हमारी सारी पार्टी आज इनको वेलकम करने के लिए यहाँ प्रेजेंट है कि दे आर इंशाल्लाह जॉइनिंग अ पॉलिटिकल मूवमेंट एंड होपफुली इन द कमिंग डेकेड्स विल प्ले अ पिवोटल रोल, अ ग्रेट रोल इन कंट्रीब्यूटिंग टू द स्टेट ऑफ J&K, टू द पॉलिटिक्स ऑफ J&K, टू द पॉलिटी ऑफ J&K. और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये शुरुआत है, जो ये कारवान है बदलाव का, ये अब शुरू हो चुका है इंशाल्लाह. और जिस हद तक भी कोशिश है उस हद तक हम ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है जम्मू कश्मीर में, उसमें जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस एक कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करे और नेविगेट करे किसी तरीके से जो ये ट्रबल्ड वाटर्स हैं, जो मुश्किलात हैं उसके बाहर. मैं एक बार फिर दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूँ इन तीनों सीनियर लीडर्स को. MLA रह चुके हैं, MLC रह चुके हैं, कैबिनेट में रह चुके हैं, और सबसे बड़ी बात कॉन्ट्रीब्यूट किया है जहाँ भी रहे हैं. हमारे लिए मैं आपको क्या बताऊँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा खुशी का हम सारी पार्टी के लिए, जिसलिए हम सब आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ शामिल हो गए. तो ये था हमारा, इसलिए हमने आपको जो है तकलीफ दी. वायलेंस वी हैव ऑलवेज कंडेम्ड इन ऑल इट्स फॉर्म्स, रेप्रेंसिबल है. ओनली एनिमीज ऑफ कश्मीर कैन डू व्हाट दे आर डूइंग. ये जो सोपोर में हुआ, दीज थ्री ग्रेट जेंटलमैन हु हैव जॉइंड टुडे, बाकी बातें जो सियासी बातें इनके लिए, और आई डोंट वांट अ हेडलाइन व्हिच वी वांट दैट दीज थ्री पीपल हैव जॉइंड अ पॉलिटिकल मूवमेंट. दीज थ्री ग्रेट लीडर्स हैव जॉइंड अ पॉलिटिकल मूवमेंट, दे आर पूलिंग देयर एक्सपीरियंस, देयर कैपेसिटीज, दे आर लर्निंग कर्व्स टुगेदर इंशाल्लाह फॉर द पीपल ऑफ J&K. मैं बता रहा हूँ, सजाद साहब मेरे कैबिनेट के कलीग भी रह चुके हैं और इमरान साहब भी रह चुके हैं. वहाँ रहकर जो हमने अंदर जूझा, कैबिनेट में बैठ के काम किया, या दिक्कतें या मुश्किलात आई, वो सारा एक्सपीरियंस लेके, लेकिन हमने हार नहीं मानी, हम काम करते गए. उस पर शायद तफसील से कभी मैं बता दूंगा आपको, आज शायद उस तफसील बताने का मौका नहीं है. लेकिन फिर जब एक सिलसिला चला, कुछ सियासी नज़रियात जो हैं वो आपस में टकराने लगे, सोच टकराने लगी. मैंने उस दिन भी कहा था कि उनकी सोच बहुत ज़्यादा है, मेरी कम है, इसलिए मैं किनारा कशी करता हूँ. लेकिन उसके सियासी वजूहात होते हैं जो थे, लेकिन अल्लाह ताला का करम है कि मुझ पर लोगों ने या अपनी पार्टी ने ज़िम्मेदारी दी थी, मैंने खुश असलूबी के साथ निभाई. तफसील कभी बता दूँगा इंशाल्लाह. उसके बाद जब असेंबली तहलील हुई शायद 19 नवंबर 2018 को, मैं उन तमाम लीडरों का आज मौका मिला शुक्रिया अदा करूँगा जो मेरे पास आए, अपनी पार्टी के यानी अपनी मीन्स PDP के. और बहुत सारे लोग आए, उनने ये कहा कि हम एक नई पार्टी बनाएंगे. मेरे पास आए कई बार, मुझे कहा, उनका बड़ापन था, हालांकि मैं इस लायक खुद को समझता नहीं हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ एक उसूल की बुनियाद पर उस चीज़ को रद्द नहीं कहूँगा, मैं कौन होता हूँ रद्द करने वाला, लेकिन मैंने नकारा कि मैं इस चीज़ के खिलाफ तब भी था, आज भी हूँ, कि कोई नई पार्टी यहाँ वजूद में आए, क्योंकि हमारा वोट बढ़ता है. जो मेरा एक्सपीरियंस है ज़ाती, शायद पटनी टॉप से आगे का वोट नहीं बढ़ता है, लेकिन हमारा वोट बढ़ता है. मैं ज़ाती तौर इस चीज़ के खिलाफ था, इसलिए मैंने उनकी जो ख्वाहिश थी उस पर पूरा, मैंने कहा नहीं. मैंने आनंद फानंद यकायक मैंने फिर उमर साहब को ज्वाइन किया था तब, लेकिन हालात थोड़ा सा बदल गए, बहुत बदल गए. आपने मेरे इंटरव्यूज़ चाहे 3 महीने से देखे होंगे, मेरे बयानात भी देखे होंगे. और मैंने कल भी कहा, जहां मैं अपने साथियों के साथ मीटिंग में था, मैंने उनसे कहा कि मैं बहुत खुश था, वहाँ पर इज्जत भी थी, एहतराम भी था, ताल्लुकदारी भी थी, इंसानी रिश्ते भी थे. लेकिन जब एक सियासी जमात में इंसान जाता है, वहाँ पर आप सिर्फ अपने आराम के लिए नहीं जाते हैं. जब तक आपका जहन काम ना करे, सियासी तौर आप इस्तेमाल ना हो,
डिस्कोर्स ना हो, बहुत सारी चीज़ें ना हो, क्योंकि कल को मुझे अपने घर में भी अपने बेटे से जवाब देना है कि भाई तुमने क्या किया या क्या कर रहे हो। तो उस सोच को लेकर, उस सूरत हाल को लेकर मेरे पिछले इंटरव्यूज़ और स्टेटमेंट्स इस चीज़ के गमाजी करते हैं, गवाह हैं कि मैंने क्यों किनारा कशी इख्तियार कर ली। विद ऑल रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट टू एवरीबडी हु इज़ देयर, उसमें कोई शक नहीं। अब इधर क्यों आया मैं? इधर एक वजह यह है कि आज भी हम बहुत सारे लोग थे, शायद वो अभी नहीं है हमारे साथ या मे बी ना भी आ जाएं, बट इंसिस्ट किया हम पार्टी बनाएंगे। ये गवाह है मंसूर साहब। कई लोगों ने उस पार्टी का नाम भी लिखा, हमें भेजा, और एक, आप हैरान होंगे, एक झंडा भी बना दिया कलर करके, वो भी मेरे पास है। फिर भी हमने ये नहीं, इसलिए नहीं किया कि वोट बटेगा, हम नहीं चाहते। तो मेरी सोच थी, हम सब की सोच थी कि हम किसी एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म को एक्सप्लॉइट करें, इस्तेमाल करें, वहाँ पे काम करें, ताकि जिस चीज़ के लिए निकले हैं लोगों की खिदमत करने के लिए, वो करेंगे। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है जो मैं बताना चाहूँगा आपको, बड़ी दिक्कतें आई क्योंकि हमारा, मैं बड़ा कैंडिड हूँ, मैं बोलता हूँ, जब भी बोलूँगा, वैसे बहुत कम बोलता हूँ, जब भी हम जलसों में जाते हैं, जब भी हम तकरीरें करते हैं, तो हम बड़ी बड़ी हाँकते हैं, बहुत बड़ी बातें करते हैं। जब आपको करने की बारी आती है तो आप उस वक्त उस पर पर्दा डालते हैं। मैंने ये चीज़ नहीं की जब मैं मिनिस्टर था, चाहे लॉ मिनिस्टर था, चाहे रेवेन्यू रिलीफ था, चाहे मैं कस्टोडियन मिनिस्टर था, मैंने वो नहीं किया। मैंने वही किया जो मैंने जलसों में कहा था। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, उसने मुझे हिम्मत दी कि मैंने कर दिया। कभी तफसील बता देंगे। लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ कि मेरी उस पीडीपी के कलीग्स, कुछ मिनिस्टर्स थे, हमने कुछ अच्छा काम किया था जो हम कहते हैं, उन्होंने हमारे खिलाफ साजिश की, उन्होंने हमारे खिलाफ महाजाराई की, यहाँ तक कि मेरे एक सेक्रेटरी को अपने रूम में बुला के उसको लताड़ा। ये सजाद साहब थे उस वक्त, ये मेरे पास आए, हालांकि मेरी जमात के साथ नहीं थे, कैबिनेट में थे, मेरे पास आए, मेरे साथ आए, मेरी दिलबरी की, मुझे हौसला दिया और ये कहा कि कम से कम मेरा साथ दिया कि आपने जो किया अच्छा किया, जो आपके साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। वो चीज़ एक सिल्वर लाइनिंग होती है कि जहाँ पे आप अवाम के साथ, लोगों के साथ कोई बात करते हैं, उसके बाद जब आपको करने की बारी आती है, आप उस वक्त अपना ख्याल रखते हैं या अपनी सोच के मुताबिक वो चीज़ नहीं करते। प्रॉबेबली दैट्स वाई आई एम हियर दिस टाइम।